ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको 21वें दिन का महात्म्य और अध्याय सुनाएंगे। चलिए महात्म्य शुरू करते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनाएं। पहले ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधें। इसी तरह जामात्र का पूजन भी होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया ये कहिए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पावों से छूट जाता है। इसी के साथ 21वें दिन का महात्म संपूर्ण होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। चलिए अब आपको अध्याय सुनाते हैं। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने ये 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादि देव, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार वे सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकारों के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पूर्ण प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव जी को आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने व सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। इसी के साथ 21वां अध्याय संपूर्ण होता है। कार्तिक मास की सभी अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।